उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा की आग के बाद अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भनभूलपुरा इलाके में एक घटना के दौरान हिंसा बढ़ी, जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। हिंसा ने शहर को भयंकर आग से तबाह कर दिया। खबर लिखे जाने तक इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, और वही तनाव के बावजूद अब तक 100 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। और पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि भनभूलपुरा क्षेत्र में हल्द्वानी के नगर निगम ने गुरुवार को अवैध मदरसा और मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया और इलाके में हिंसक स्थिति पैदा हो गई। तनाव के चलते तुरंत कर्फ्यू लागू किया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। पुलिस के अनुसार इस एक्शन से भड़की नाराज भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। दंगाइयों की गिनती में से एक से अधिक सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और इलाके में गोलीबारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल बंद है और शहर में केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर जाने की अनुमति है। वहीं हल्द्वानी के भनभूलपुरा में अतिक्रमण विरोध अभियान के दौरान भड़की हिंसा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हल्द्वानी के भनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और हिंसा इतनी क्यों बढ़ी। 29 जनवरी को भनभूलपुरा क्षेत्र में, जहां मालिक की लगभग 2 एकड़ भूमि है, वहां प्रशासन और नगर निगम की एक संयुक्त टीम पहुंची। इस जमीन को उन्होंने अपने कब्जे से हटाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया और पक्का निर्माण ध्वस्त किया। हालांकि उन्होंने वहां बने मदरसे और धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया। दूसरे दिन एक और टीम ने ताराबंदी की और नोटिस जारी कर दिया कि 1 फरवरी तक सभी निर्माण हटा देना होगा। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई और 3 फरवरी को वहां के लोग नगर निगम कार्यालय में पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया और 4 फरवरी को सुबह करीब 6 बजे अतिक्रमण को तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया। इसलिए ये मामला इतना बड़ा और उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा की आग सुलग रही है।